हेलो, आवाज आ रहा है क्या सबको? हाँ जी आ रहा है। हाँ नमस्कार अविनाश जी, नमस्कार अशोक जी, नमस्कार दुर्जे जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि ये ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मीटिंग आज जो रखा है, तो ज्यादातर बातें जो है अभी हमारे यूपी प्रेसिडेंट अन्य दुर्जे जी ने पूरा लिस्ट वाइज अच्छी तरह से रखा, तो मैं उसको रिपीट करना जरूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन उन बातों के अलावा कुछ पॉइंट जो मेरे पास तीन चार पॉइंट जो है जो मुझे लगता है इस ऑडियो मीटिंग में मुझे जरूर इस चर्चा में लाना चाहिए। एक तो कोविड 19 को लेके लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या दोनों काउंसिल हो, और खासकर पब्लिक के जो सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छी तरह से कायम पाया है, तो ये अभी मुझे लगता है कि जल्दी कोरोना फ्री यूटी बन जाएगा। लेकिन एक एप्रिहेंशन ये रहता है कि हमारे ईरान से जो जावर लोग जो फिग्रीन अभी जो वहाँ पे पॉजिटिव, कई मेरे पास जो डेटा है 254 पॉजिटिव ईरान में है, और उनके साथ उनके जो असिस्ट करने के लिए कुछ लोग वहाँ पे वॉलंटियर बैठे हैं। अब उनको लाने के बाद पता नहीं कैसे इसको कंटेन किया जाएंगे, और जो ऑलरेडी इंडिया में लाए गए जो जोधपुर में है, गाजियाबाद में है, और ये जैसलमेर में है, और दो तीन लोग मुंबई में भी है, ऐसे कुछ लोग है, तो वो सारा अभी क्वारंटाइन खत्म हो जाने के बाद फिर लद्दाख ले जाएंगे। तो लद्दाख पब्लिक में जाने के बाद, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर का तो ये कहना है कि 37 डेज के बाद ये वायरस जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन कहाँ तक इंश्योर कर पाएंगे कि वो ऑलरेडी जो पॉजिटिव आए थे फिर नेगेटिव बन गए, फिर समाज में जाने के बाद फिर से वो पॉजिटिव रिवाइव नहीं होंगे, उसको एक इंश्योर करने के सख्त जरूरत है। एंड अभी कोविड के क्राइसिस के साथ साथ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सेंस कर रहा हूँ लद्दाख में थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो रहा है, जो हमारे पार्टी के लिए ये चर्चा करना मुझे बहुत जरूरी समझता हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो भी इस टाइम पे वो इसलिए हो रहा है, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ऑफिस से ना LHDC ले जो बीजेपी का है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा है, ना बीजेपी के MP को भी कोई कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है वो पब्लिक किसी भी इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MP से लेके पंचायत तक किसी को पूछे बगैर यूनिलेटरल डिसीजन जो है दिन पर दिन लेते जा रहा है, और सभी पब्लिक का जो एस्पिरेशन जो सेंटीमेंट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास आते हैं। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स का कहीं से फोन आना हो, वहाँ खेती बाड़ी का जो काम का भी जो रोक लगे हैं, उसी तरह कोई भी इशू हो वो या MP के पास आता है या काउंसिल के पास आता है या हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास आते हैं, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसे किसी के बात को भी नहीं सुन के जो है अपना यूनिलिटरली वो डिक्टेटरशिप पे जो चल रहा है, ये एक तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए खतरा तो है, ये साथ ही साथ हमारे लॉन्ग रन के लिए हमारे पार्टी के लिए एक नुकसान एक जो मैं सेंस कर रहा हूँ। और दुर्जे जी ने जो जिक्र किया आज करगिल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, करगिल के जो काउंसिल के जो NC के CEC है और उनकी लीडरशिप में, वहाँ NC के साथ BJP भी कोलिशन में है, ये ऑफिशियली अभी तक पता नहीं क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ, इसमें पार्टी को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ऑफिशियली कोलिशन हम अनाउंस नहीं कर सकते तो हम कोलिशन में बैठते ही क्यों है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर के खिलाफ एक नोटिस निकालता है, और उसके ना उसके लिए हमारे पार्टी उसको सपोर्ट कर पाता है, ना वहाँ करगिल से कोई सपोर्ट कर पाता है, और यहाँ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है हमारे यूटी प्रेसिडेंट को पूछे बगैर या MP से बात सुने बगैर सीधा DC करगिल को फोन करके कहते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करो, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट को कैसे हम एड्रेस करेंगे ये एक बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। और आज जो CEC करगिल ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी को और करगिल के DC को जो कटघरे में खड़ा किया, जो इस जो कोऑर्डिनेशन जो ठीक नहीं है उसकी वजह से, उसको लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या हम साइलेंट बैठेंगे या हम काउंसिल के साथ देंगे या हम UT के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देंगे, ये एक फास्ट होना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए है, अगर COVID-19 का सिचुएशन 1-2 महीने में ठीक हो गया तो तुरंत ले काउंसिल का इलेक्शन होना है, तो आप लद्दाख को UT देने के बाद
हमारा काउंसिल हार जाता है तो ये हम सब के लिए एक पूरे देश के सामने चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगा, तो ये एक चिंता की विषय जो मैं समझता हूँ। और अशोक जी ने जो ओपिनियन रखा कारगिल जो है जल्दी वायरस फ्री हो जाएंगे, ऐसा हम सबको कोशिश है और हम यही चाहते हैं, लेकिन अभी जो ईरान से जो पिलग्रिम जो आ रहा है, कोई इंडिया में लाया है कोई ईरान से अभी आना बाकी है, तो वो सारा आके समाज में जाने के बाद फिर क्या सिचुएशन को हम कैसे रिस्पॉन्स कर पाएंगे, वो एक चिंता की विषय है। एंड थर्ड थिंग, ले में टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है जिसकी वजह से जो है हमें बहुत दिक्कत आते हैं। शुरू से मैंने कोशिश किया, यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने काफी सपोर्ट किया, आईसीएमआर को डायरेक्शन देके आईसीएमआर से हमें जो टेस्टिंग मशीन जो है वो आरटीपीसीआर का मशीन भी हमें मिला जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो साथ लेके मैंने लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को डिलीवर हमने किया, लेकिन उसके बाद भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अभी तक सेटअप नहीं कर पाया। कभी कहते कि हमें रूम नहीं, कभी कहते कि एक्सपर्ट नहीं मिल रहे, कभी कहते कि कोई अदर एक्सेसरी से, जब भी मैं पूछता हूँ वहां से तो कोई भी अप्रोच नहीं करता है, लेकिन जब भी मैं इंटरवेन करके पूछता हूँ तो अलग अलग लिस्ट देते जाते हैं। जी हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो मेन जो है वहां पे टेस्टिंग लेबोरेटरी का सेटअप होना, वार फुटिंग पे सेटअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो ये सिविल एयरलाइंस का जो सस्पेंशन होने के बाद हमारे वहां से सैंपल हर दिन नहीं आते दिल्ली, क्योंकि हमें दिल्ली में टेस्ट के लिए भेजना होता है, तो कभी चार दिन के बाद, कभी दो दिन के बाद, कभी तीन दिन के बाद वहां से भेजते हैं, फिर यहाँ टेस्ट करके फिर उतना ही दिन वहां भेजने में लगता है, तो एक सैंपल को रिजल्ट देने के लिए करीब 6-7 दिन जो है हमें उसमें टाइम गवाना होता है। इसलिए अभी वहां हमें एनटीपीसीआर मशीन मिल गया, तो बाकी तो जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है कि कैसे कोऑर्डिनेशन करके क्यों नहीं कर पा रहा है, एक ये है। बाकी सारा बातें जो है दुर्जय जी ने रखा अच्छी तरह से, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा जी।